वार्ड क्रमांक 50 में हर जरूरतमंद परिवार को ये यहाँ पर दूसरी बार राशन वितरित किया गया है, जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक और आलू प्याज जैसी जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये अभी तक अपन लॉकडाउन में कितनी बार हो अभी आप ऐसा कर? लगातार घर से भी काफ़ी लोगों को राशन देता हूँ मैं, रेगुलर कम से कम 50 से 80 किलो आटा रोज बट रहा है, कुछ आलू प्याज बटते हैं, और घर घर जाके मैं किसी को भी परेशान नहीं करता हूँ। कोई भी आता है तो उनको ज़रूर यही बोलता हूँ कि आपके घर पे रहिए, आपके घर पे सुरक्षित राशन आएगा और हर घर पहुँचे। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है जो गरीब भाषा लोग ले लेके इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरों को नहीं मिलता? देखो भैया, अपनी सेवा करने की इच्छा है तो अपन सेवा कर रहे हैं। अपन तो हर घर किसी के माध्यम से नहीं बंटवा रहे कि उसको 50 पैकेट देना है कि 10 पैकेट देना है या 1 क्विंटल देना है, तो वो क्या करें। अपन तो उनके साथ में, रहवासियों के साथ में ही घर हर घर 1 पैकेट राशन का देते हैं। ये सब करने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि क्या मिलती है? अरे भैया, इतनी खुशी मेरा शायद, मेरे को 10-12 दिन हो गए थे और काफ़ी दिनों से रोज़ सोच रहा हूँ कि कल से चालू करूँ, पर मेरे पास व्यवस्थित सारा राशन इकट्ठा ना हुआ था, इसलिए आज मैं 10-12 दिन में फिर से डबल से आया। क्षेत्र महेंद्र हडिया जी की होती है, पर उसके बाद भी आपने बहुत परिश्रम करके अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं आशीष चौधरी जी, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद टाइम्स टुडे इंडिया की तरफ से।